नमस्कार, मैं हूँ सरिता। तीसरा दिन तीसरा लैम्प एक्सपांडेड क्यूब, इसको बनाने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेम्पलेट दिया है वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और चार्ट पेपर पर चिपका कर काट लें। तैयार है, अब देखते हैं कि क्यूब से इस लैंप पे पहुंचते कैसे हैं। ये लैंप क्यूब को शैम्फर करने से और ट्रंकेट करने से बना है। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि हम जो क्यूब की साइड्स को काटते जाते हैं तो हमें हेक्सागन मिलते जाते हैं। हर साइड पे हमें एक हेक्सागन मिलता है, तो ऐसे तीन हेक्सागन इस कोने पे आके मिल रहे हैं, एक दो तीन। तो ये तीन हेक्सागन इस वर्टेक्स पे आके मिल रहे हैं, तो अगर हम इस वर्टेक्स को काट दें तो यहाँ पे हमें ट्राइंगल मिल जाएगा और जो हेक्सागन था वो रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और जो स्क्वायर है वो स्क्वायर का स्क्वायर ही रहेगा, बस उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो इसमें टोटल 26 फेसेस हैं। जो क्यूब के स्क्वायर फेसेस थे वो वैसे के वैसे रहे और जो क्यूब के वर्टेक्स थे वहाँ पे हमें ट्राइंगल मिल गए, तो 8 ट्राइंगल, और जो क्यूब की साइड्स थी वहाँ पे हमें रेक्टेंगल मिला और वो है 12 रेक्टेंगल। एक्सपेंडेड क्यूब बनाने का एक और तरीका है, अगर हम सारे क्यूब के फेसेस को बाहर खींच लें और इतना बाहर खींचें कि खाली जगह में रेक्टेंगल और ट्राइंगल फिट हो जाए और फिर उसके वर्टेक्सेस को मिला दें तो हमें ये लैम्प मिल जाएगा।